बीजापुर में जल संसाधन विभाग ने किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से मनरेगा के बजट पर ही पानी फेर दिया। निर्माण के 15 सालों में जिस नहर से एक बूंद भी पानी की सिंचाई किसानों के खेतों में नहीं हुई, अब उसमें रिटर्निंग वाल के निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए फूंकने की तैयारी कर ली गई है। उद्वहन योजना के तहत नहर में रिटर्निंग वाल का निर्माण किया जाना था। ठेकेदार द्वारा 5% काम किए बिना ही विभाग ने ठेकेदार को करीब 85% राशि का भुगतान कर दिया। भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के अर्जुना नल्ली ग्राम पंचायत में उद्वहन योजना के तहत आज से 15 साल पहले निर्मित नहर के दोनों किनारों पर 1320 मीटर पर रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया जाना था। फरवरी 2020 में जिला पंचायत द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नहर के दोनों किनारों पर रिटर्निंग वॉल के लिए 1,05,34,000 रुपये स्वीकृत किए गए। इस नहर के दोनों किनारों पर ठेकेदार द्वारा केवल 150 मीटर का आधा अधूरा गुणवत्ता विहीन रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया गया, मगर कमीशन खोरी के लालच में विभाग ने ठेकेदार को गैर कानून तरीके से 84,48,000 का भुगतान कर दिया। मतलब साफ है कि 5% काम के लिए विभाग ने ठेकेदार सरकारी खजाने पर डाका डाल दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस नहर में रिटर्निंग वॉल का निर्माण करवाया जा रहा है, उसका निर्माण 15 साल पहले किया गया था। ग्रामीण बताते हैं कि इस नहर से पिछले 15 सालों में आज तक एक बूंद पानी भी उनके खेत तक नहीं पहुंचा है। नहीं, इसका इस्तेमाल तो नहीं है, खेत में पानी तो अभी तक पहुंचा भी नहीं। 15 साल से चल रहा है काम, 15 साल तक अभी जो कांग्रेस शासन आया है ना, तब जाके फिर खुला है, उसके बाद जो भी रहते समय उद्घाटन। ये जो है ना भैया, नाली का 15 साल हो रहा है, हमको कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी का सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, खेतों में सूखा ग्रस्त हो रहा है। सत्ताधारी दल के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जल संसाधन विभाग पर रिटर्निंग वॉल के निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के प्रभारी JP सुमन का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद है, और साथ ही ई द्वारा ठेकेदार को मटेरियल सप्लाई का भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि निर्माण स्थल पर किसी भी तरह का मटेरियल नजर नहीं आ रहा है। जिला पंचायत CO पोषण लाल चंद्राकर का कहना है कि सामान्य सभा की बैठक में रिटर्निंग वॉल के निर्माण में किए भ्रष्टाचार की शिकायत आई, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के JP सुमन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। की खास रुचि के हिसाब से किसानों के मांग के अनुसार इस योजना को यहाँ स्वीकृति दिया गया था, लेकिन अब 15 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है समय, उसके बावजूद भी आज तक नदी का पानी तालाब तक नहीं पहुंचा। पानी की तरह इरिगेशन विभाग वाले प्रतिवर्ष पैसा बहा रहे हैं, लेकिन एक बूंद पानी भी खेतों को नसीब नहीं हुआ। अभी यहाँ जल संसाधन विभाग वाले इस नहर को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस साल फरवरी 29 को यहाँ रिटर्निंग वाल बनाने के लिए इस नहर के लिए 1320 मीटर का स्वीकृति हुआ था मनरेगा योजना के तहत। अर्जुनली उद्वहन सिंचाई योजना में जो रिटर्निंग वाल की प्रशासकीय स्वीकृति 6 किस्तों में 105 लाख प्राप्त हुआ है, उसकी तुलना में मार्च में, चूंकि ये कार्य मार्च में था और निर्धारित हुआ था कि मार्च में इसका लक्ष्य रखा गया था, और मनरेगा के नाम्स के तहत 60-40 के रेशो में ये नाम्स 19-20 में किया जाना था। अर्जुन अली में जो नहर का निर्माण हो रहा है, उसमें कार्य एजेंसी सिंचाई विभाग को बनाया गया है, और जैसे शिकायत प्राप्त हुआ है उस आधार पे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 इंजीनियरों की एक टीम बना के उसकी जाँच के लिए, उसकी मतलब निर्माण जो किया गया है वो उचित है नहीं है, उसकी जांच की एक समिति बनाया गया है। उसका रिपोर्ट जांच कमेटी में सिर्फ उस कार्य उचित है कि नहीं है, कार्य को करवाना है नहीं करवाना है, इसके लिए जो सामान्य सभा में सवाल उठा था उसके संदर्भ में था। वो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।